हमारे मनोरंजन कार्यक्रम में सनी जी आपका बहुत बहुत स्वागत है। मैं इस समय कल्पना कर सकती हूँ कि वैंकूवर में बैठी जितनी भी लड़कियाँ आज का ये प्रोग्राम देख रही होंगी, आपकी सूरत को देख के कह रही होंगी ये सनी देओल है और सुषमा उनसे बात कर रही हैं, काश हम भी वहाँ बैठी होती। इस तरह की एजुलेशन पॉपुलैरिटी आपको आपकी पहली फिल्म के बाद ही मिली है, और किस तरह से आपको महसूस होता है? फील ग्रेट, बहुत अच्छा फील होता है। बस यही रहे कि जिससे लोग अभी इस वक्त मुझे प्यार करते हैं आगे भी ऐसे ही करते रहें, कोई छोड़े ना मुझे। मेरे विचार में तो नहीं छोड़ेंगे। आपकी पहली फिल्म बेताब ने तो वो धाक जमाई है कि पूछिए नहीं। लेकिन इतनी कामयाबी के बाद आप पर बहुत प्रेशर नहीं होता कि मैंने इतनी अच्छी फिल्म बनाई है और लोग आपसे बहुत ज़्यादा एक्सपेक्ट नहीं करते इसके बाद? लोग इनमें से काफ़ी कुछ एक्सपेक्ट करते हैं, लेकिन अभी मैं तो पूरी कोशिश में हूँ कि उन्हें किसी भी जगह या कोई भी पिक्चर में उन्हें ऐसे ना महसूस हो कि मैं उनके लेवल तक नहीं काम कर सका। लेकिन मुझे मालूम भी नहीं ना उन्हें क्या चाहिए। उन्हें तो आपको स्क्रीन पे देखना है और कुछ नहीं चाहिए। लेकिन आपकी बेताब के बाद अगली कौन सी फिल्म रिलीज हो रही है? सबसे पहले होगी सोनी महिवा, उसके बाद फिर मेरा ख्याल है अर्जुन या जोशीला। इस समय हम ये जो सेट में बैठे हैं, क्या लोग सोचते होंगे कि मकान इंडिया में शायद इसी तरह के बनते हैं क्या है? ये जोशीला का सेट है और यहाँ पर हम लोग, आपने शोले तो देखी होगी सब लोगों ने, तो वेस्टर्न टाइप की थोड़ी बहुत ही वो पैटर्न में है उसकी फिल्म, उस तरह की फिल्म है, एक्शन पैक मूवी है। तो इसमें आपके साथ कौन कौन है? लड़की तो श्रीदेवी है और एक और एक्टर भी है अनिल कपूर। अच्छा, तो क्या आप दोनों का पैरेलल रोल है किसी तरह? पैरेलल रोल है। और आपकी पेयरिंग श्रीदेवी के साथ है? हाँ जी। साउथ की एक्ट्रेस हैं? हाँ जी। बहुत पॉपुलर हो रही हैं यहाँ पे आजकल? हाँ, उनकी यहाँ पे आजकल जीतू के साथ काफ़ी पिक्चर चल रही हैं। आप साउथ में नहीं गए कोई फिल्म बनाने के लिए? नहीं, मैं कोई नहीं कर रहा साउथ के साथ इस वक्त, कुछ नहीं कर रहा। लेकिन ज़्यादा स्टार्स वहीं जा रहे हैं आजकल? हाँ, वो लोग जा रहे हैं वहाँ पर क्योंकि वहाँ जल्दी काम खत्म हो जाता है, एक दो महीने के अंदर पिक्चर खत्म हो जाती है और पैसे भी अच्छे मिलते हैं। अच्छा, तो आपको बम्बई पसंद है? मुझे यहाँ ही। लेकिन लंदन में पढ़ाई करने के बाद बम्बई जैसी जगह में आके रहना आपके लिए कुछ डिफरेंट नहीं हुआ? नहीं, मैं बचपन से तो यहीं हूँ ना, वहाँ पर तो सिर्फ दो साल के लिए गया था। अच्छा। मेरे घर, मेरे दोस्त, सब जन, सबके सब यहीं रहते हैं बॉम्बे में, इसलिए वहाँ किया भी था लेकिन वापस आने को बहुत दिल करता था। सुना है जब आप की तरह के कामयाब कलाकार फिल्म इंडस्ट्री में बहुत हिट्स दे देते हैं तो अक्सर उनके नाम और हीरोइंस के साथ या बाकी लड़कियों के साथ जोड़ दिए जाते हैं, आपके साथ भी यकीनन ऐसा होता होगा? खैर, वो तो चलता रहता है, इट्स पार्ट ऑफ द गेम। आप पढ़ते हैं उन मैगजीन्स को? क्यों नहीं। और फिर पढ़ के क्या सोचते हैं? कुछ नहीं, बस चलता रहता है। अच्छा। कभी किसी के साथ लिख देते हैं, कभी किसी के बारे में। उनको कई घर इस तरह से औरतें बहुत महसूस करती हैं, ख़ासतौर पर अगर मैरिड कपल हों और किसी आदमी का नाम जुड़ दिया जाए किसी के साथ, तो उन्हें बुरा महसूस होता होगा। आपका सुना है सगाई हुई हुई है और आपकी जो मंगेतर है उन तक खबरें नहीं पहुंचती है? पहुंचती होंगी, नहीं पहुंचती होंगी तो मुझे कुछ मालूम नहीं इतना। लेकिन ऐसी कोई बात नहीं है। जब आपके बारे में और अमृता सिंह के बारे में लोग अफवाहें उड़ा रहे थे तो क्या गुस्सा नहीं आया आपको? क्या मैंने पिक्चर लाइन में ज्वाइन करने से पहले देखा है कि लोग क्या लिखते हैं, क्या बोलते हैं, तो ये सब कुछ सहना पड़ता है, सुनना पड़ता है। वो सादा कभी कभी जब कुछ ज़्यादा ही उठपटांग लिख देते हैं तो फिर कोई मिला तो उसको पकड़े मार देना, और क्या करना। अच्छा, ये बताइए कि आपके डैडी अब भी वही धाक जमाए हुए हैं फिल्म इंडस्ट्री में जो पहले से उनकी धाक है? कई लोग ये भी कहते हैं कि अब तो बाप बेटे में मुकाबला है, आपको कभी ऐसा महसूस हुआ है? मुकाबला कोई ऐसी कोई बात नहीं है, मेरे डैडी इस लाइन में कुछ 25-26 साल से हैं और मैं उनका मुकाबला कहाँ से करूँगा। आपका, आपको उनका बहुत आशीर्वाद है इस इंडस्ट्री में आने का। और मेरे, मैंने सुना कि जब आपकी फिल्म रिलीज होने वाली थी आप इतने नर्वस नहीं थे जितने आपके डैडी थे। हाँ, उन्हें मालूम नहीं था कि उनका बेटा कुछ काम फिक्चर में करेगा या नहीं करेगा। आप दोनों किसी फिल्म में इकट्ठा रहे हैं? हम लोग आ रहे हैं एक दो पिक्चर में, एक हम लोग शूट करेंगे मेरा ख्याल अक्टूबर से, अर्जुन की पिक्चर है, और कोई पिक्चर में साथ में नहीं है, लेकिन एक पिक्चर है सनी ही इज़ देयर, उसमें ही इज़ प्लेइंग माय फादर, बट आमने सामना कभी नहीं होता। अच्छा,
वो आपको कभी मिलते नहीं आप नहीं नहीं आफ्टर माय डैड डाइज देन आई कम इनटू द इनटू द अच्छा अच्छा ये जो आजकल आर्ट सो कॉल्ड कोट एंड कोट आर्ट फिल्में बनती हैं उनके बारे में आपके क्या विचार हैं क्या सच्ची में बोलूं तो मैं इतनी पिक्चर देखता नहीं हूं लेकिन अपनी फिल्म तो देखते होंगे अपनी पिक्चर तो जरूर देखता हूं क्यों नहीं देखूंगा वैसे आर्ट या नहीं आर्ट आजकल चल रही हैं सब तरह की पिक्चर चल रही हैं ऑडियंस थोड़ी हमारी पहले से ज़्यादा होशियार हो गई है अच्छा आप वेस्टर्न फिल्में भी देखते होंगे हाँ जी देखते हैं आपके फेवरेट कलाकार कौन है खैर आई मीन अमेरिका का तो आई मीन जेम्स डीन आई एम वेरी फॉन्ड ऑफ जेम्स डीन उनकी पुरानी जो उनकी तीन ही पिक्चरें थी बस वही उनकी कैसेट जरूर होंगे आपके पास हाँ जरूर है आप पंजाबी हैं ना जी हाँ पंजाबी हमारे वैंकूवर के ज़्यादातर लोग पंजाबी हैं तो सब पंजाबी में बात करते हैं तुसी जदों साढ़े धर्मेंद्र जी उत्थे वैंकूवर विच आए सी तो उन्हां दा शो थे असी लोगों ने बड़ा पसंद किया तुसी वैंकूवर नहीं आओगे देखो जो कभी मौका लग गया तो जरूर आऊँगा हाले तो हूँ पिक्चर काम करना होनी शुरू किया हूँ देखो अगे जाके थोड़ी छुट्टियाँ वुट्टियाँ मिलनगियाँ तो आऊँगा उत्थे सनी जी आपका इतना बिजी स्केड्यूल है आपका शॉट अगला होने जा रहा है आपने उसके बावजूद भी हमें वक्त दिया हमारे इस प्रोग्राम के लिए मैं आपका बहुत बहुत शुक्रिया अदा करना चाहती हूँ थैंक यू वेरी मच थैंक यू